नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको यदि आप पूरी श्रद्धा से कम 4 बुधवार करेंगे, आपको अचानक, काफी लोग जो लिखते हैं मैडम ऐसा कोई उपाय बताएं हमें लॉटरी लगे ना लगे, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा कि आपको अचानक धन मिलेगा। कहीं से भी मिले, धन मिलेगा जरूर। पैसे आपके पास आएंगे और बड़े प्रमाण में आएंगे। जब राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, शनि प्रसन्न होते हैं, तो ये दोनों ही ऐसे ग्रह है जो धन का ढेर लगा देते हैं। मैंने भी ढेरों वीडियोस अपलोड की है अपने चैनल पर, राहु को कैसे प्रसन्न करें कलयुग में, क्योंकि कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रमाण में है। आप देख सकते हैं आज के जमाने में लोग राहु प्रधान ज्यादा हो गए हैं। ढोम, झूठ, दम, दिखावा, ये तमाम चीजें आज इंसान की जिंदगी पर राज कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत पर चढ़ गए हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे, अब मैं नाम भूल गई उस चीज का, वो पता नहीं वो कौन सी चीजें उसको सूंघ रहे हैं और जबरदस्त नशे में डूब जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 11-11 साल के बच्चे। लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, आप देखना, जिन लोगों को नशे की आदत है दोस्तों, यदि आपने थोड़ा सा भी अपने आप को नशे की दुनिया में डाल दिया, जब भी आपकी लाइफ में कोई क्राइज आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रिलैक्स होने के लिए कब नशा करने लग गए और नशे का डोज आपने बढ़ा दिया। नशे को कभी भी जीवन में एंटर ना होने दे, ये बर्बादी का कारण है। उस समय जब आपको अपनी एनर्जी को ज्यादा जागृत करना है मुसीबतों से लड़ने के लिए, किसी भी कंडीशन को ओवरटेक मारने के लिए, उस समय आप वो नहीं करते हैं, ऊपर से नशा करके सो जाते हैं, ताकि वो जो कंडीशन है वो ज्यों की त्यों बनी रहे और ज्यादा इंक्रीज होती रहे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है राहु से आप बचें। राहु से जब आप बचेंगे तो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति के संगत में है, जो व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है, आपको गलत रास्ते पर चढ़ा रहा है, नशे की आदत डाल रहा है, चोरी चमारी झूठ बोलना सब कुछ सिखा रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के संगत से दूर हो जाएंगे। मतलब कुसंगत से आप दूर हो जाएंगे। संगत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अच्छे व्यक्ति की संगत करने वाला व्यक्ति दुनिया में नाम और इज्जत कमाता है। बुरे व्यक्ति की संगत करने वाला व्यक्ति दोस्तों कब आकाश से जमीन पर गिर पड़ता है उसको खुद को ही पता नहीं चलता। शुरुआत हमेशा गंदी चीजों की थोड़े से होगी, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है ना? और ये असर है राहु की। तो सबसे पहले तो आप कुसंगत से बचेंगे। जब आप कुसंगत से बचेंगे और आप गुरु प्रधान लोगों से मिलेंगे, तो अपने आप वो जो शांति और सुख आपको मिलेंगे, वो आपकी आत्मा को सुकून देंगे और वो लाइफ टाइम टिकेंगे। आप देखना, शॉर्टकट से जब आप कोई खुशी हासिल करना चाहते हैं, तो वो खुशी आपको बर्बाद करके जाती है, क्योंकि आपने शॉर्टकट अपनाया, गलत रास्ते अपनाए। लेकिन यदि आप गुरु प्रधान हैं, लंबा समय देते हैं, किसी चीज की आप तपस्या करते हैं, लंबे रास्ते जाते हैं, और फिर जब वो चीज आपको मिलती है तो लंबा टाइम टिकती है। इस उपाय को करने से राहु से जुड़ी हुई जितने भी कमियां हैं, क्योंकि कमियां ही बताऊंगी दोस्तों तो आधा घंटा निकल जाएगा, तो आप समझ जाइए राहु से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें हैं। घर में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, उड़ाने की आदत है। लोगों को दिखाने के लिए भी पैसे उड़ा दिए जाते हैं जो लोग राहु प्रधान है। तमाम चीजों से छुटकारा मिलेगा इस उपाय को करने से। और राहु जब प्रसन्न होंगे तो दोस्तों धन बहाने मार मार कर आपके पास आएगा। राहु और शनि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं दोस्तों। शनि भी यदि आपके ऊपर कुपित हो गए तो चारों तरफ से बर्बाद, राहु कुपित है चारों तरफ से बर्बाद। लेकिन यदि ये ग्रह प्रसन्न हो गए तो चारों तरफ से आप भरपूर पैसों में भी खेलेंगे, सुख और सामग्री सब कुछ आपके पास आएगी। तो ये उपाय आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शनि रवि वीक में 3 बार, वैसे आप करना चाहें तो तीनों में से कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर ले तब करें, या बुधवार के दिन ही करना चाहते हैं तो आज से ही आप इसको शुरू कर दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।
राहु दोस्तों आपके घर में कहाँ बैठा है? जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे से पता है, राहु आपके घर के नैऋत्य कोने में बैठा हुआ है। नैऋत्य कोने में हमेशा मैं बताती हूँ नीले रंग की चीजें रखें, नीले रंग का गुलदस्ता रखें, नीले रंग की कोई पेंटिंग लगा दी, कुछ भी नीले रंग का यदि आप वहां रखते हैं, या फिर माचिस को, माचिस की जो डिबिया है उसको नीले रंग से रैप करके, नीले रंग के धागे से या नीले रंग के कागज से रैप करके यदि आप उस जगह पर रखते हैं, राहु आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसी जगह पर यदि आप धुआं करते हैं केतु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप सही रास्ते पर जीना शुरू करेंगे। लौंग दोस्तों आपके शनि को कूल कर देती है, शनि से जुड़ी हुई तमाम तकलीफों को दूर कर देती है। आपको क्या करना है, चार लौंग लेनी है फूल वाली, और चार चुटकी आपको लेने हैं काले तिल। क्या करना है, चार लौंगे, चार चुटकी काले तिल, दोनों चीजों को आपको अपने हाथ में राइट हैंड में रखना है और चार बार बोलना है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र को आपको चार बार बोलना है और इन दोनों चीजों को आपको अपने घर के नैऋत्य कोने में रख करके जला देना है। इसी जगह चार अगरबत्ती भी आपको जलानी है हर बुधवार या शनिवार या रविवार, जब भी उपाय करते हैं दोनों साथ में करें, जलाने वाला भी और अगरबत्ती जलाने वाला भी। लौंग और काले तिल इसको भी जलाएं और चार अगरबत्ती भी आप उसी जगह पर जला दें। राहु केतु दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, शनि से भी जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी और चमत्कार दोस्तों आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में, हो सकता है एक ही दिन में चमत्कार होने शुरू करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लेकर के पूछे अवश्य, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री कृष्णा।